हे गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि मैं आपको लाया हूँ भिलाई शहर के स्वीट सेंटर एरिया में। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बहुत बढ़िया चौपाटी है। यहाँ पे है ना वेज बहुत अच्छा मिलता है, इसके अलावा आप यहाँ पे नॉनवेज भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज के एपिसोड में हम लोग टोटली वेज ही दिखाने वाले हैं आपको। तो ठीक है गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है गाइस, आ जाओ वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। तो गाइस, मेरे साथ है बनारसी पाव भाजी चाट सेंटर और इसके ऑनर मेरे साथ भी है, इनसे मिलते हैं। इनका नाम नहीं था सर, आपका नाम बताइए। लक्की खैरवार। अच्छा, और लक्की भाई बताइए, आपने यहाँ कब से चालू किया? यहाँ भी आज 40-45 साल हो गया। 40-45 साल हो गया, बहुत बढ़िया। और आपके यहाँ पे क्या क्या वेरायटी मिल जाती है? यहाँ भी पाव भाजी, पनीर चिल्ली, दाबेली। अच्छा, ये सब भी रहता है। और मैंने सुना आइटम, मैंने यही सुना था आपके यहाँ पे आइटम बहुत बढ़िया मिलता है। क्या प्राइस है आइटम का? यहाँ का फेमस सबसे आइटम बम है, ये प्राइस का 80 है। 80 रुपीज़ है। अच्छा, तो एक काम करिए, हमारे यहाँ का आप हमारे लिए ना एक आइटम बम बना दीजिए। तो गाइस देख लो, आज यहाँ पे लगभग भिलाई का सबसे फेमस आइटम ये आइटम बम ही है। लगभग आपको यहाँ गुजरात में ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये टिक्की लिया है? टिक्की। अच्छा, टिक्की किस चीज़ का रहता है? आलू का रहता है, आलू टिक्की। तो गाइस देख लो, ये इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर आपको क्रिस्पनेस लगेगा। और ये निकल रहा है इसका सबसे मेन आइटम, आइटम बम। अच्छा, इसका नाम आइटम बम क्यों पड़ा, कुछ पता है क्या? बस ये इसका आइटम शुरुआत का नाम रख दिया गया, क्या इसमें पूरा आइटम डलाता है। अच्छा, बहुत सारे आइटम डलाता है। तो मुझे ऐसा लगा आइटम बम बोले ना, कुछ फटाका वटाकर तो नहीं डाल देते ना। तो गाइस देख लो, ये है ना एक बहुत बड़ा सा पूड़ी है, उसको इन लोग ने फुला दिया। ये किस चीज़ का बनाते हैं आप लोग? मैदा भी है। तो आप लोग घर पे बनाते हैं कि रेडीमेड लेते हैं? आप लोग घर पे बनाते हैं कि रेडीमेड? घर पे। अच्छा, घर का खुद का बनाया हुआ है। तो गाइस ये बेसन और मैदा का रहता है। तो ये सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर ये पूड़ी रख दिया और इसमें एक है ना थोड़ा सा इसमें छेदा कर दे रहे, थोड़ा नहीं बड़ा सा कर दे रहे। अच्छा, तो यहाँ पे पानी पूरी को लोग गुपचुप बोलते हैं। और इसमें कितना पीस आता है? वही 6-7 पीस के अंदर आता है। और ये टिक्की को भी इन्होंने इस पूरी बड़ा सा पूरी के अंदर डाल दिया। और ये क्या सर? ये था छोले। छोले, तो इसमें ग्रेवी छोले छोले भी आ गए। और ये इसके अंदर हरी वाली चटनी आ गई। और ये क्या सर? अच्छा, इसके अंदर मीठी चटनी भी आ गई। ये किस चीज़ का बनाते हैं आप लोग? इमली। अच्छा, इमली का आता है। और गाइस देख लो, इसके ऊपर इन्होंने पूरी के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने ये चटनी डाल दी मीठी वाली। ये दही आ गई। ये क्या डाला सर? नमक आ गया। तो गाइस इसके ऊपर नमक डाल दिया इन्होंने। ये मसाला जा रहा है, इसमें क्या क्या मसाला डाल रहे हैं सर ऊपर से? ये नमक, गरम मसाला और ये पाउडर मिर्च। अच्छा, मिर्च पाउडर आ गया, गरम मसाला आ गया, और ये थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर आ गया। तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट अंदर आ गया। गाइस देख लो, ये रहा यहाँ का सबसे पहला आइटम आइटम बम। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस 80 रुपीज़। और ये एक स्पेशल वाला है और आप इससे थोड़ा एक 70 रुपीज़ में कम स्पेशल वाला भी आता है, पर हमने स्पेशल मंगाया आपके लिए। तो देख लीजिए, मेकिंग तो पूरा आपने देख लिया इसका। एक बड़ा सा इसमें पूरी लिया था, इसके अंदर इन्होंने आलू का टिक्की डाला, बहुत सारा इन्ग्रीडियंट डाला है, पानी पूरे के बहुत सारे गोलगप्पे डाले हैं, जिससे हरी चटनी, तीखी चटनी, मीठी चटनी डाल के काफ़ी एकदम चटपटा बना दिया। तो सबसे पहले है ना इसका बाइट लेते हैं अपन लोग। क्या करते हैं इसको है ना ऊपर से यहाँ से इसका एक पापड़ी से तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो आप भी इसको इस तरह से खाइए। यहाँ पे देखिए, आपको इसमें आलू मटर का ग्रेवी भी डाला था उन्होंने, काफ़ी चटपटा ला रहा था। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से सीधा ना आप देखिए एकदम गर्मा गर्म है, सीधा इसका एक बाइट ही ले लेते हैं।
बहुत बढ़िया। इसमें जो मसाला है ना, इन्होंने जो नमक मिर्ची डाला वो एकदम बैलेंस डाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सेव डालने की वजह से काफ़ी क्रिस्पी भी हुआ है, तीखी चटनी भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और मीठी चटनी की वजह से ना एक अच्छा सा मिठास भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप भिलाई में विज़िट कर रहे हो तो एक बार यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको एक काम करता हूँ, मैं देव के साथ ख़त्म करता हूँ और आपको दूसरे बढ़िया से एक प्लेस में मिलता हूँ। तो गाइस, चटपटा सा आइटम बम खाने के बाद अभी मैं आपको लेकर आया हूँ चौपाटी तंदूरी मोमोज में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमोज मिलता है, तो अपने यहाँ जो गुजरात में मिलता है ना उससे थोड़ा ये डिफरेंट है, तो शायद आप लोग को ये पसंद है। तो यहाँ के भैया मेरे साथ में, सर आपका नाम बताइए। अखिलेश पाठक सर। और सर क्या क्या वेरायटी मिल जाता है आपके यहाँ? वेज है, पनीर है, मंचूरियन है, तंदूरी मोमोज, एक पनीर टिक्का है। तो यह सब आप तंदूर वाला ही वेरायटी आपके पास? तंदूर में ही है। और सर आपको कैसे पता चलता है, हमारे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोमोज कैसा है? सर ये रेड में मंचूरियन है। अच्छा। हाँ, इसका तंदूर मसाला रेड है। हाँ। ये पनीर है मलाई में। अच्छा। हरियाली में वेज है। और प्राइस बता दीजिए सर थोड़ा। मंचूरियन 80 रुपए है, पनीर 100 रुपए है। हाँ। वेज 80 रुपए। अच्छा ठीक है। पनीर टिक्का 150 रुपए। अच्छा, तो आज हम लोग को क्या ट्राई करा रहे हैं आप? आज मैं आपको तीनों मोमोज वेज पनीर मंचूरियन। अच्छा, तो ठीक है बना दीजिए जी। और सर क्या यहाँ का टाइमिंग क्या सर? टाइमिंग सर 4 बजे का है, 4 से रात में 10 बजे तक। अच्छा। और क्या क्या प्राइस क्या क्या रखा आपने इनका? अरे मतलब जैसे अभी ये जैसे आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइप का अगर व्यूवर्स आता है क्या प्राइस में पड़ जाएगा इसको? जैसे किसी को मिक्स वैरायटी में खाना है। हाँ। तो वो क्या प्राइस में पड़ जाएगा उनको? मिक्स में 90 रुपये। मिक्स में 90 रुपये, बहुत बढ़िया। और इसमें आप क्या लगाते हैं? ये ऑयल लगाते हैं? बटर है सर। अच्छा, ये बटर में बना रहे हैं इसको? जी जी। और कितना हो जाता है सर, लगभग कितना आपका सेल्स हो जाता है लगभग शाम तक में? शाम तक सर कम से कम 7-8 हज़ार तक। 7 हज़ार, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये है ना, जगह ही इसी टाइप की है, और ये पूरे चौपाटी में आपको ना यही एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ पे ये आपको खाने के लिए मिलेगा। ये देख लो, इन्होंने ऊपर से ये बटर लगा दिया, काफ़ी अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर भी मिलने वाला है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बात ये है कि जो भी आइटम तैयार होता है, चटनी है, मोमोज है, सब लकड़ी पे होता है। अच्छा, कोई भी चीज़ में कंजूसी नहीं करते? हाँ, स्वाद से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ। ऐसा क्या हमारे गुजरात में मिलता है पर वो ग्रेवी मिलता है या फ्राइड वाला मिलता है? जी जी जी। या तो फिर वो स्टीम वाला मिलता है? तो जी ये शायद हमारे व्यूवर्स लोग के लिए नया हो जाएगा। हाँ। हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर तो अहमदाबादी लोग हैं। जी जी। ऐसे तो सूरत, वापी, वलसाड़ सब देखते हैं वहाँ पे। आप लोगों को कैसा आइडिया है कि ये चीज़ यहाँ चालू करना चाहिए? पूरे चौपाटी में था भी नहीं। अच्छा। और नया आइटम भी था ये। अच्छा, ये बनने में कितना देर में बन जाता है? बस रेडी हो गया। तो गाइस देख लो, हमारा ये तंदूरी मोमोज आ गया है, तो ये एकदम नया आइटम है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के ऑनर काफ़ी अच्छे हैं, इन्होंने हमको यहाँ पे मिक्स करके दिया। और इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस है 90 रुपीज़। और इसके साथ में यहाँ चटनी आई है, और चटनी भी इन्होंने तीन टाइप का बनाया है। एक तो एक रेड चिली वाली है, एक ये तिल वाली है, और दूसरा ग्रीन वाला कौन था देव? ग्रीन चिली और पुदीना है। पुदीना, ओके, तो ग्रीन वाली पुदीना है। और इसमें है ना, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ये पनीर वाला मोमोज दिया था, तो इसकी फिर मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो देख लो, ये इसके अंदर आपको है ना पनीर के कुछ पीसेस दिखेंगे, ठीक है। तो सीधा काम करते हैं, इसको है ना तीनों चटनी के साथ ही मिक्स करके खाते हैं। मैं ये थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इन्होंने जो कोयले में, इसमें जो कोयला यूज़ किया ना प्योर लकड़ी का था, तो उसकी वजह से ना कि स्मोकिंग फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और इसको जो सबसे खास बना रहा है ना वो ये वाली चटनी है, ठीक है। तो ये चटनी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैंने ऐसा सुना है यहाँ के बारे में कि इसको चटनी खाने के लिए ना लोग बाहर बाहर से, नागपुर से, ऐसा यहाँ तक इसको खाने के लिए आते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा यहाँ पर है ये वेज मोमो। तो इसके अंदर ये वेज की कुछ फिलिंग की गई है, इसके अंदर पत्ता गोभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये आटा मैदा का ये लोग बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा इसको वैसे चटनी में मिक्स कर लेते हैं। तो मैं ये तीनों चटनी के साथ ही मिक्स कर खा रहा, ताकि तीनों का फ्लेयर ही मुझे एक साथ आ जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप यहाँ पर आएंगे, अब अगर आप भी मिक्सिंग वाला लेंगे, तो इसमें इन्होंने ऐसा कलर कोडिंग करके रखा है,
जैसे ग्रीन वाला वेज है और ये कौन सा दे दो, ये मंचूरियन लाल वाला, मंचूरियन वाला लाल है और ये वाला पानी रहा, ठीक है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। और ये मंचूरियन है तो देख लो यहाँ पे इसके अंदर, ये मंचूरियन के अंदर लगभग इसके अंदर फिलिंग की गई है तो इसी को भी एक बार और ले लेते हैं। बहुत बढ़िया गैस, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको यहाँ पे आ रहे हो, विजिट कर रहे हो तो ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे और भी वैरायटी है पर मुझे, मेरे आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आके यहाँ पे ये तंदूरी वगैरह ट्राई करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ठीक है गैस, इसको मैं जल्दी से ख़त्म करके आपको एक बढ़िया से फिर से एक बढ़िया प्लेस में मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस, चटपटा और तीखा है ना दोनों खाने के बाद है ना, मैंने सोचा कि आपको बढ़िया सा एक कुछ ठंडा फालूदा कुल्फी जैसा खिलाया जाए। तो मेरे पीछे आप दिख रहा होगा, चलो वहाँ चलते हैं। ये किस चीज़ का बनाते हैं आप लोग? ये मिल्क का आइसक्रीम बनाते हैं, उसमें रियल फ्रूट मिक्स करते हैं। रियल फ्रूट मिक्स करते हैं, अच्छा। कितना टाइप का वैरायटी है आपके पास? इसमें 10-12 वैरायटी है। 10-12 वैरायटी, और पब्लिक कौन सा ज़्यादा पसंद करती है यहाँ पे? मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं ना, अच्छा उसके हिसाब से बनता है, ये फ्रूट से ही बनता है। अच्छा, तो ये अभी क्या क्या डाला है इसके अंदर आप लोगों ने? अभी इसमें पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज और मौसमी, ये चार फ्रूट मिक्स। चार फ्रूट रियल फ्रूट्स का ही बनाते हैं आप लोग। आपके शॉप का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग तो 3 बजे का, बाकी इसका टाइमिंग वही 7 बजे से स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी थोड़ा नाइट है तो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और बताइए आज आप क्या क्या खा हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे? आप फ्रूट आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हो, फालूदा आइसक्रीम भी। अच्छा, तो एक फ्रूट वाला आपका स्पेशल फ्रूट वाला ही है ना, तो हम लोग एक फ्रूट वाला बना के दीजिए। क्या प्राइस पड़ेगा वो? 50 और 100। अच्छा, तो एक 50 वाला हमारे लिए बना दीजिए। तो गाइस देख लो, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक से ये इसको बना रहे हैं। तो सर, आपको कैसा आइडिया है ये चीज़ यहाँ चालू कर रहे हैं? बस आ गया आइडिया। यार ये पूरा अपना इधर ये चौपाटी में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा ना, सिर्फ आपके शॉप में? नहीं, यहीं पे मिलेगा बस। मैंने भिलाई में भी सर्च किया था, मुझे यही जगह मिला। तो गाइस देख लो, ये यहाँ का आइसक्रीम, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस है 50 रुपया। और ये फ्रूट वाला है तो रिंकू भैया था इनका नाम, इन्होंने काफ़ी है ग्वालियर का, ये काफ़ी फेमस है, ये भी ग्वालियर से ही बिलोंग करते। तो देख लो, ये सबसे पहले इसका बाइट ले रहे, सबसे बढ़िया जो मुझे लगा ना यहाँ पे, ये आइसक्रीम बहुत बढ़िया। पहला बाइट डालते हैं ना आपके अंदर है ना, एकदम बढ़िया सा फ्रूट का एकदम ओरिजिनल पल्प आता है ना, वैसा आपको एकदम फीलिंग आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया लगा मुझे बिलाई आने के बाद। जो अभी तक में जो मुझे सबसे अच्छा आइटम लगा ना, वो रियली में सच कहूँ ना तो यही आइटम मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको खाने के बाद है ना आपका दिल एकदम अंदर से खुश हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आप भी, आपको अगर आपको लास्ट तक आके वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने भाई का चैनल यार सब्सक्राइब कर देना, गुजरात से यहाँ तक आया आपके लिए बनाने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।